अल्हम्दुलिल्लाह किचन पे क्या बनेगा? आज अल्हम्दुलिल्लाह किचन पे बेटा दम आलू बनने वाले हैं, तो यम्मी चलिए मम्मा की रेसिपी देखते यम्मी। हैं। चलिए बिस्मिल्लाह सारी करते हैं। चीजें, आधा किलो बटाटे, एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, दो टमाटर की प्यूरी, 100 ग्राम दही, और ये तिल और काजू का पेस्ट बना के लिया हुआ। यहाँ पे सूखे मसाले, मिर्ची पाउडर तीखी वाली, घर का पिसा हुआ गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, ये घर का तीखा मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, कसूरी मेथी, चाट मसाला, थोड़ी कोथमीर, थोड़ी हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्च चाहिए, स्वाद अनुसार नमक, हींग, और ये खड़े गरम मसाले जिसमें तेज पत्ता, हरी इलायची, काली मिरी, एक बड़ी इलायची और थोड़ी दालचीनी। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे बटाटे हैं इनमें हम कट लगा के लेंगे फोक की मदद से। ये देखिए ऐसे। ये देखिए मैंने सभी बटाटों को ऐसे कट लगा के ले लिया है। ये सभी बटाटों को कट लगा लिया। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें सभी बटाटों से डालेंगे। और ये जो हमारे मसाले हैं इसमें से हम तीखी लाल मिर्च, ये हमने मिर्च पाउडर डाल दी इसमें 1 चम्मच, 1 या आधा चम्मच के हिसाब से, आप तीखा जितना कम या ज़्यादा खाते हो उस हिसाब से डालिए। और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, और स्वाद के हिसाब से नमक लेंगे, मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये देखिए, अब इनको मिक्स करके लेते हैं। ये देखिए मैंने सभी बटाटों को मसाला, नमक और हल्दी भरा दी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाला है। अभी ये जो हमारे बटाटे हैं हम इसमें डाल के फ्राई करके लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमने सभी बटाटे डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करके लेते हैं। ये देखिए हमारे बटाटे जो है ये हो गए फ्राई करके। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से, माशाल्लाह अच्छे फ्राई हो गए, खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। ये देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। इनको फ्राई करने से क्या होता है? खाने के लिए टेस्ट लगते बेटा, जब हम इसका फिर ग्रेवी बनाएंगे ना, हाँ, तो टेस्टी लगेगी खाने के लिए। और ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे क्योंकि हाँ, हमने इसको बॉईल नहीं किया। हाँ अभी थोड़ा पकेगा ना, वो मसाले में पक जाएगा। अभी हमने इसको 20% या 50% पका लिया है, अभी 50% पकना बाकी है। देखिए अच्छा। कितने अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी बेहतरीन आ रही है। अब हम यहाँ पे ये जो हमने हमारे खड़े मसाले लिए हैं, ये बड़ी इलायची, दालचीनी और हरी इलायची, उसी तेल में कर रही हूँ मैं ये, जिस तेल में मैंने बटाटे फ्राई किए, टेस्ट अच्छा आएगा उसी तेल में करने से। ये सब खड़े गरम मसाले ये इसमें डाल देते हैं। और ये सफ़ेद ज़ीरा, ये ज़ीरा जो लिया है सफ़ेद ज़ीरा, ये देखिए ये डाल देते हैं। और अब हमारी ये जो हमने प्याज ली है बारीक काट के, ये प्याज इसमें डाल देते हैं। ये देखिए अब इसको हम 5 मिनट तक भूनते हैं प्याज ब्राउन होने तक। देखिए हमारी प्याज थोड़ी ब्राउन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो हींग ली है हमने, ये एक छोटा सा चम्मच ये हींग का हम डाल देते हैं। ये देखिए चुटकी भर हींग इसमें डाल दी है हमने। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए ये हमने हिला दिया। अब हम यहाँ पे ये जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट दिया है वो डालेंगे। ये देखिए
अब अदरक लहसुन का पेस्ट जो डाला है हमने, इसको थोड़ा 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का स्वाद इसमें आ जाए। ये देखिए अदरक लहसुन जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पे हमारे ये जो सूखे मसाले हमने लिए हैं ये सब एक एक करके डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर जो तीखी वाली है मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। धनिया पाउडर 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच। गरम मसाला 1/2 चम्मच ये डाल दिया हमने। और इनको थोड़ा नीचे ऊपर करेंगे। और जो हमारी टोमेटो प्यूरी हमने बना के ली है वो भी इसी में डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए टोमेटो प्यूरी, अब इनको अच्छे से भूनेंगे। टोमेटो का मतलब पूरा तेल छूटने तक अच्छे से इनको भूनना है। ये देखिए हमारी टोमेटो प्यूरी अच्छे से भून चुकी है। अब हम यहाँ पे ये जो हमने बटाटे फ्राई करके लिए थे ये सब इसमें डाल देंगे। ये देखिए और इनको भूनेंगे। और जो चाट मसाला लिया हुआ है ये इसमें डाल देंगे। ये देखिए और इनको अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए हमारे मसाले ये जो है अच्छे से भून गए बटाटे में। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इनमें, मसालों में थोड़ा सा पानी लगा तो आप ऐसे मसाला ठीक होने लगा, तो थोड़ा सा पानी डाल के आप भून सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लिया है। अब हम यहाँ पे ये जो हमने दही लिया हुआ है ये दही को इसमें डाल देते हैं। ये देखें ये सब दही को इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे दही को। अब ये जो दही का पानी छूटेगा इसमें ही हमारे बटाटे जो है गल जाएंगे पूरे अच्छे से और पूरे अच्छे से पक जाएंगे हमारे बटाटे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहे हैं, कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखिए अब इनको ऐसे ही हम ढक के रख देते हैं ये पूरा तेल छूटने तक, दही का पानी वगैरह छूटने तक ऐसे ही हम इनको ढक के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। धीमी आंच पे कर देंगे, आज स्लो ही रखेंगे। अभी तक आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये आलू को हमारे खोल के देखते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कलर भी कितना प्यारा आया है। ये देखिए माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। वाओ कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ अगर इसके बदले यहाँ पे गोश्त होता तो, अरे बाप रे, आपको तो हमेशा गोश्त ही चाहिए, चिकन ही चाहिए खाने के लिए। कभी तो वेज भी ट्राई करना चाहिए, पर ये गोश्त से कम भी नहीं है। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। अभी क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो हमारा काजू का पेस्ट है हमने बना के लिया हुआ वो इसमें डालेंगे। ये काजू के पेस्ट से मिठास आती है? नहीं बेटा ये टेस्ट ही लगता है, मीठा नहीं होगा। हमने इसमें थोड़ी सी सफ़ेद तेल भी डाली है इसीलिए ये मीठा नहीं होगा। ये थोड़ा सा क्रीमी टाइप हो जाएगा, मतलब हम जैसे पनीर में चिकन में डालते हैं ना काजू का पेस्ट, अच्छा लगता है, क्रीमी जैसा टेस्ट आता है इससे, इसीलिए इसमें डालते हैं काजू का पेस्ट। अच्छा और मैंने इसमें अपनी तरफ से सफ़ेद तिल भी ऐड की है, उससे और अच्छा ज़रा टेस्ट आएगा। ये देखिए अभी हम यहाँ पे जो हमारी कसूरी मेथी है ये कसूरी मेथी इसमें ऐड करते हैं। भून के ली हुई है ये कसूरी मेथी, मैंने तवे पर थोड़ा सा सेक के हाथों की मदद से उसको मैश किया है। ये देखिए अब हम इसको 5 मिनट के लिए और ढक के रख देते हैं ताकि जो कसूरी मेथी और काजू का पेस्ट हमने डाला है ये पूरा इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ानी है इसकी तो आप इसमें यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। हाँ थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करूँगी, इतनी ग्रेवी बस ठीक है हमारे लिए।
और ये जो अगर आपको नमक भी यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं कि नमक अगर कम हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही नमक डाला है, क्योंकि कोई लोग नमक कम खाते हैं। हाँ, नमक कम खाते हैं, इसीलिए अभी नमक यहाँ पे चेक करके हम नमक डालेंगे। ये देखिए नमक कम लगा है मुझे, इसलिए मैं 1/2 टीस्पून नमक इसमें डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक का स्वाद चखके फिर डालिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और इसको 5 मिनट के लिए ढक के हम पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमने जो काजू का पेस्ट डाल के, ये देखिए माशाल्लाह हमारी ग्रेवी बन के तैयार है। ये जो दम आलू की, ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है बन के तैयार हो गई है। मैं आपको बटाटे दिखाती हूँ गले हैं या नहीं। ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए बटाटा, ये देखिए कितना अच्छा गला है, सॉफ्ट एकदम हो गया है। ये देखिए ये लुढ़क रहे हैं इसी के अंदर। ये देखिए हमारे बटाटे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये जो हमने हरी मिर्च ली है ये डाल देते हैं और थोड़ी कोथमीर गार्निशिंग के लिए। हाँ, ये देखिए हमारी रेसिपी जो बटाटे की है, दम आलू की, ये बनके तैयार है। अब मैं अभी इसको सर्व करके दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए हमने जो दम आलू बनाए थे, ये हमारी दम आलू की रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई रेसिपीज के लिए। और बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।